नहीं, एनआरसी लेके जो भी है हमारे, एक एनआरसी तो एक प्रक्रिया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के तहत हो रहा है, के तत्वावधान में हो रहा है, तो उसके लेके हमारी कोई खास, जो हमारी फोर्स है, जो एनआरसी को लेके जो हमें फोर्स दिया गया है वो किस तरह काम कर रही है, उसे किस तरह काम करना चाहिए, उसे पब्लिक के साथ अच्छा से बिहेव करना चाहिए, पब्लिक की समस्याओं को सुनना चाहिए, इसी को लेके हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स थी उनको भी, और पैरामिलिट्री फोर्स के क्या क्या उनकी कठिनाइयाँ कुछ तो नहीं है, उनके फोर्स किस तरह से काम कर रहे हैं, कोई लोकल कठिनाइयाँ ना हो, तो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन उनका कैसा है, तो ये सब लेके सीएपीएफ के साथ भी हमारी, इसमें भी हमारी काफ़ी बातचीत हुई है, और इसमें हम लोग एक साइंस टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले रहे हैं कि किस तरह से हम लोग मैपिंग करें एरिया को। तो एक बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन आज एसपी यहाँ गौरव उपाध्याय ने हमारे समक्ष, हमारे और डीआईजी के समक्ष किया है कि किस तरह से उस पूरे एरिया को मैपिंग करके उस एरिया के बारे में जाने कि कौन कौन एरिया है जहाँ से कि इसकी संभावना है, जहाँ से ये होती है, वहाँ किस तरह से हम लोग सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पर दें, किस तरह से वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से जानकारी हासिल करें कि कहाँ से प्राप्त होती है, इस पर काफ़ी बातें हुई हैं हमारी, काफ़ी हम लोगों ने बनाया है कि किस तरह से इस पर एक्शन लिया। Thank you.